बेगूसराय के सभी खराब पड़े ट्यूबवेल अब काम करने लगेंगे। किसानों को फिर से ट्यूबवेल से काफी कम रेट पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा अखबार में छपा था। आगे लिखा था कि इसके लिए सरकार ने सभी बेकार पड़े ट्यूबवेल को चालू करने का फैसला किया है और इसकी सारी जिम्मेदारी हर एक पंचायत के मुखिया को दे दी गई है। मुखिया को चालू करने के लिए अनुमानित खर्च उपलब्ध करा दिया गया है, लेकिन ये नहीं लिखा था कि किसानों के नाम पर जनता का आदर्श मुखिया जी अन्य योजनाओं की तरह किसानों के आश को भी डकार जाएगा। कम से कम नलकूप के नाम का धरोहर को तोड़ वहां से धन कमाएगा। पंचायती राज का यह मजबूत करी तोड़ जोड़ से पदाशीन होने के बावजूद जाति आधारित और पार्टी आधारित मानसिकता से उबर नहीं पाता है। क्षेत्रीय राजनीति महत्वाकांक्षाओं में ग्राम पंचायत के गरिमा को अधिकारियों और बड़े जनप्रतिनिधियों के यहाँ सौदा कर धूमिल किया जाता है। आपको बताते चले कि ये जिले का ऐतिहासिक ग्राम सदारनपुर का स्टेट ट्यूबवेल है। निराश दर्जनों किसानों के कथनानुसार इसके सिंचाई का नाले का दायरा किलोमीटर से ज्यादा हुआ करता था। इस नलकूप से सिंचाई के पानी की क्षमता इतनी थी कि एक साथ तीन दिशा में पानी जाता था, जिसका जीर्णोद्धार हुआ हो सकता है, लोकार्पण भी हुआ होगा, किंतु कहीं भी कोई बोर्ड या जल निकासी का माध्यम नहीं नजर आ रहा है। अगर नजर आ रहा है तो जीर्णोद्धार के बाद की ये खंडहर जो किसानों के आश को निराशा में बदल गया। ब्यूरो न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से अमित कुमार की रिपोर्ट।